बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता और वर्तमान में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाने वाले चाचा शिवपाल ने एक बार फिर से मुलायम सिंह यादव को अपने पक्ष में लाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने मुलायम सिंह यादव को कहा कि आप हमारे पार्टी के अध्यक्ष बन जाइए, जिसके बाद मुलायम सिंह यादव ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, जो साफ साफ संकेत देता है कि मुलायम सिंह यादव किसी भी तरह से अब ऐसी चीज़ों में फंसना नहीं चाहते जिससे समाजवादी पार्टी को नुकसान होते हुए नजर आए। लेकिन छोटा भाई होने के नाते मुलायम सिंह यादव हमेशा शिवपाल यादव के पास चले जाते हैं, क्योंकि वो उनको अपना छोटा भाई मानते हैं और बड़े दिनों से उनके साथ राजनीति की है। इसलिए लगातार मुलायम सिंह यादव शिवपाल यादव के साथ नज़र तो आ जाते हैं, लेकिन समर्थन उनका अभी भी समाजवादी पार्टी के साथ डट कर बना हुआ है। मुलायम सिंह यादव लगातार समाजवादी पार्टी के दफ्तर में बैठे नज़र आते हैं और कभी कभी समाजवादी सेकुलर मोर्चा के अध्यक्ष शिवपाल यादव के साथ भी नज़र आ जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि शिवपाल यादव को मुलायम सिंह यादव का कहीं ना कहीं समर्थन है। लेकिन हम आपको बता दें कि समाजवादी सेकुलर मोर्चा के अध्यक्ष शिवपाल यादव के द्वारा आयोजित की गई सभा में मुलायम सिंह यादव गए तो थे, लेकिन उसके बाद वो सीधा समाजवादी पार्टी के कार्यालय में पहुंचकर उन्होंने बता दिया कि उनकी अब ओरिजिनल पार्टी हमेशा से समाजवादी पार्टी रही है और आगे भी रहेगी। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी पार्टी बनकर 2019 के लोकसभा चुनाव में उभरेगी, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाना मत भूलिएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।